गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 8। आज हम लोग देखेंगे पदार्थों का रूपांतरण का सेकंड वीडियो पार्ट 4। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे अपघटन क्रिया। कोई भी पदार्थ जो है रासायनिक यौगिक गर्म करने पर या उसको उष्मा देने पर वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अपघटित हो जाते हैं और ये क्रिया जो है रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। जब एक रासायनिक यौगिक दो पदार्थों में टूटता है, जब एक रासायनिक यौगिक दो पदार्थों में टूटता है, इसका उदाहरण देखेंगे। पहले सोडियम क्लोराइड 2NaCl है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। इसके अलावा 2HgO, इसको जब गर्म करेंगे तो ये Hg+O2 दो पदार्थों में टूट जाता है। इसी तरह से जब हम पानी का अपघटन करेंगे 2H2O में टूट जाएगा, 2 पानी जो है अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। जब अब दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जब एक रासायनिक यौगिक अपघटित होकर एक तत्व और एक यौगिक बनाता है, जब रासायनिक यौगिक अपघटित होकर एक तत्व और एक यौगिक बनाता है, देखेंगे उदाहरण। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट ये अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ये एक तत्व बन गया और यह एक यौगिक बन गया। पोटेशियम क्लोरेट अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। दूसरा देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, इसको गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनाता है। सोडियम नाइट्रेट अपघटित होकर सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या होती है। जब एक रासायनिक यौगिक दो नए रासायनिक यौगिक में अपघटित हो जाता है, एक रासायनिक यौगिक दो नए रासायनिक यौगिक में अपघटित हो जाता है, जब एक रासायनिक यौगिक दो नए रासायनिक यौगिक में टूट जाता है, जब एक रासायनिक यौगिक दो नए रासायनिक यौगिक में टूट जाता है तो क्या होता है देखेंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड जब गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड कोई जहाँ लग जाता है हाइड्रोक्साइड हो जाता है। इसको जब गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और वाटर में यह अपघटित हो जाता है। इसमें किसमें टूटता है? कॉपर ऑक्साइड और पानी में अपघटित हो जाता है। ऐसे ही जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित कराते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसको जब गर्म करते हैं क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? जब एक रासायनिक यौगिक दो नए रासायनिक यौगिक में टूट जाता है, इसमें पहला क्या हुआ? कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये टूट कर गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, पानी का निर्माण करता है। इसी अलावा आप और देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इसको गर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे रासायनिक विघटन, रासायनिक विस्थापन या रासायनिक प्रतिस्थापन। रासायनिक विस्थापन वह क्रिया है, वह तब होती है जब यह जलीय लवणीय विलयन में अधिक विद्युत धनात्मक तत्व देता है। देखिए अगर विद्युत धनात्मकता देखें तो उसके घटते हुए क्रम में लिखें तो देखेंगे कुछ समान तत्व जो कि विद्युत धनात्मक के घटते हुए क्रम में हैं, और लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। इनकी क्रियाशीलता जो है ऊपर दी गई सूची जो बनी है इसमें लिथियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक और जो गोल्ड है सबसे जो है ज़्यादा सबसे कम विद्युत धनात्मक स्रोत होता है। सबसे अधिक लिथियम, सबसे कम गोल्ड। ऊपर क्रियाशीलता की श्रेणी में लोहा कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर और आयरन को विस्थापित करता है, कॉपर को विस्थापित करता है। देखेंगे रिएक्शन कैसी होती है। आयरन जो है ये कॉपर को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर विस्थापित हो जाएगा क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट और क्या बना? कॉपर, कॉपर विस्थापित हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना? कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर रिलीज हो गया। इसी तरह से जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब जलीय विलयन, ये बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अपघटन क्रिया क्या होती है? दोहरा अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने जलीय विलयन में एक दूसरे के तत्व, एक दूसरे से अपने तत्व रूप को बदल लेते हैं। एक का तत्व दूसरे के साथ और दूसरे का तत्व पहले के साथ आ जाता है। जैसे कि देखेंगे ए प्लस बी माइनस और यह है दूसरा सी माइनस, सी प्लस डी माइनस। क्या होगा? बनेगा ए प्लस बी माइनस प्लस सी प्लस बी माइनस। इस तरह से ये जो है एक दूसरे के तत्व को अदल बदल लेते हैं। ये क्रिया जो है रासायनिक दोहरा अपघटन क्रिया कहलाती है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया वास्तव में अवसाद क्रिया है
और दोहरे विस्थापन में दो यौगिक का धनात्मक और ऋणात्मक भाग एक दूसरे से बदल जाते हैं। ऋणात्मक इसका जो है धन भाग इसके ऋण से जुड़ जाता है, इसका धन भाग इसके ऋण से जुड़ जाता है, इनमें जो है अदला बदली हो जाती है। अब देखिए अवसाद अभिक्रिया क्या है। इसमें जो दोहरा अपघटन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है अवसाद अभिक्रिया और दूसरी होती है उदासीनीकरण क्रिया। अब पहला हम देखेंगे अवसाद अभिक्रिया। अवसाद अभिक्रिया जब प्राप्त उत्पाद जो बनता है उत्पाद दो चीजों की दो पदार्थों के जब रिएक्शन से उत्पाद बनता है तो वो जो उत्पाद जो होता है वो एक अघुलनशील लवण होता है और अवसाद के रूप में प्रकट होता है। और ये क्रिया जब अवसाद बनता है उत्पाद में अवसाद बनता है, ये जो एक अघुलनशील पदार्थ होता है, तो ये क्रिया जो है अवसाद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इन दोनों में क्रिया होती है। इसका ये भाग इससे जुड़ जाएगा, हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसमें जो है बेरियम सल्फेट ये अवसाद बनता है। इसका क्या बनता है? पीपीटी। पीपीटी मतलब अवसाद, प्रेसिपिटेट। अवसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो जो है ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से क्रिया करता है। पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से क्रिया करता है तो क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड ऑक्साइड बनता है, लेड आयोडाइड। और इसका जो है लेड आयोडाइड ये जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, पीपीटी बनता है। प्रेसिपिटेशन को ऐसे हमेशा नीचे को दिखाते हैं क्योंकि ये जो है नीचे की ओर बैठ जाता है, अघुलनशील पदार्थ होता है जिसे कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसे एक और रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट ये हुआ सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको नीचे एरो करके दिखाया जाएगा। तो ये तो हो गया रासायनिक दोहरा अपघटन का पहला भाग अवसाद। अब रासायनिक दोहरा अपघटन का दूसरा भाग है उदासीनीकरण क्रिया। दूसरा भाग क्या हुआ? उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया देखेंगे इस क्रिया में क्या होता है। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल से हाइड्रोनियम आयन और क्षार से हाइड्रोक्साइड आयन एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल बनता है। इसीलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल, यह क्रिया जो है उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है और ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार,
ये हो गया लवण, ये हो गया जल। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण किया। ऐसे ही देखेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड बना प्लस वाटर। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड आपस में मिला करके जिंक नाइट्रेट बनाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से एक और रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्या क्षार प्लस HCl क्या हो गया, ये हो गया अम्ल। दोनों ने क्रिया की, क्या बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये सारी क्रियाएं जो हुई ये उदासीनीकरण क्रिया की क्रियाएं हुई। अब देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या कोई ऋणात्मक तत्व जोड़ा जाता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसके जस्ट उल्टा अपचयन अभिक्रिया होती है जब कोई अभिकारक हाइड्रोजन को निकालता है या ये जो है अपचयन, अपचयन में क्या होता है जब हाइड्रोजन या कोई विद्युत धनात्मक तत्व जोड़ा जाता है, ये जो है ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट हुई। ऑक्सीकरण करने में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ता है जैसे कि 2Ca प्लस O2, 2Ca प्लस O2 इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना 2Ca O2। जब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है या ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह क्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि 2Ca plus O2 equal to 2CaO, ऐसे ही Mg plus Cl2, Mg plus Cl2 ये हो गया Mg Cl2। ऐसे ही MnO2 plus HCl, क्या बना मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर क्या कहलाई, ये क्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाई। थैंक यू बच्चों।